जो है वो कुछ सालों से पेंटिंग कर रही है और हम चाहते थे एज अ फैमिली कि जो हमें सुख और सुकून मिलता है उनके कला को देखते हुए, हम चाहते थे कि दुनिया ऐसे देखे। और बहुत वक्त लगा, बहुत मम्मा से मिनती करनी पड़ी कि क्या हम उनका कला दुनिया को दिखा सकते हैं। और फाइनली इस साल मैंने बस बोला कि ये आपका एक बर्थडे गिफ्ट है, आप चाहो या ना चाहो, आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, ये हम एक परिवार के तौर से आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि इसे हमें खुशी दे रही है। आई लव पेंटिंग बिकॉज आई मीन लाइक आई रियली एंजॉय कलर्स। इनफैक्ट आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड पेंटिंग माई सेल्फ, बट माई पेंटिंग्स लुक लाइक यू नो लाइक 5th-5th स्टैंडर्ड किड्स पेंटिंग्स, यू नो लाइक नर्सरी स्टैंडर्ड किड्स, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न एंड या सो आई लव पेंटिंग। या बहुत ही अच्छी थी, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ यू नो आर्ट। एंड बहुत खुशी हुई कि मनीषा ने ये यू नो अपनी माँ के लिए प्रमोशन किया है, एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। यू नो नम्रता, शी इज़ अ वेरी गुड पेंटर, शी इज फ्रॉम सोफाया एंड शी वाज़ फ्रॉम द आर्ट स्कूल देयर। So in fact, you know, we were just discussing a week, you know, Didi should get into it, and at least, you know, she should do something for Nargis, the foundation and stuff. But now, once we go back, we are going to actually push her to start doing it. Well, I don't know much about paintings. मुझे इतना ज्ञान नहीं है, इतना मालूम है कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ लवी मिश्रा कलाकार, जिसमें मेरा एक किरदार, मेरा किरदार एक आर्टिस्ट है और वो पेंटिंग्स करता है, कार्टून्स बनाता है। सो उस कैरेक्टर को प्ले करते वक्त ही थोड़ा बहुत मुझे पता लगा अबाउट आर्टिस्ट, लेकिन आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट आर्ट एंड पेंटिंग्स रियली, बिकॉज हम तो फिल्म लाइन से हैं और हम फिल्मों में ही मतलब कि हमारी रुचि रहती है। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट people make such great paintings and I'm here to appreciate one artist's work. I love paintings, it's just that I cannot paint, but it's always nice to see art, and I'm here to support Manju aunty. It's her first exhibition, she's Manisha's mother, and Manisha's a friend, so I had to be here for her. बहुत enjoy करती हैं painting, जैसे कि आपकी अंदर की आवाज़ होती है जो बोलती है मैंने ये काम करना है और ऐसे करो, आप कलर ऐसे लगाओ, ये करो। तो कोई भी आर्टिस्ट बोलेगा कि पेंटिंग उनके लिए प्रार्थना की तरह होता है, कि उनको बहुत आनंद आता है।